What's up fam, it's your boy Soul Boy back here with another video. एकदम बाल दाढ़ी बना के टिकटॉक वाले बाल कटा के ठीक है, इसको रहने देते हैं। So, guys, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि 25 डेज में मैंने कितना गेन किया है। ओके, जो कि मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि मेरे डाइट क्या रहेंगे और मैं क्या वर्कआउट प्लान करके चल रहा हूँ। ओके, सो जो लोग नए हैं वो लोग पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाजू में बेल आइकन है उसको दबाओ और मेरे प्रीवियस वीडियोस को चेक करो और फिर वापस से ये वीडियो चालू करो। तो ठीक है, सो ज्यादा बात ना करते हुए मैं आप लोगों को सीधा लेके चलता हूँ डे वन से अभी तक के क्या क्या हुआ। सो डे वन का आप लोग मेरा फोटो देख सकते हो, डे वन अब्बास बिल्डर खड़ा है यहाँ तुम्हारे सामने। रिजल्ट आप लोगों के सामने, डे वन से डे 25 में मैंने कितना गेन किया। ठीक है, सो जरूरी ये है कि ये चीज़ मैंने पहले भी ट्राई की थी बट मुझे इतना इफेक्ट नहीं लगा था उसका। उसका ये पॉइंट निकलता है कि नींद आपकी जो है आपको 8 से 10 घंटा बराबर सोना है। ठीक है, वर्कआउट और डाइट अपनी जगह, लेकिन ये दोनों चीज़ तभी काम करेगी जब आप बराबर सोगे। सो इस पीरियड में मैंने 8 से 10 घंटा जो है बराबर साउंड स्लीप खर्राटे मार के सोया हूँ। खर्राटे मार के वो ठीक है, उसको बाहर साइड में रखते हैं, मैं वैसे खर्राटे नहीं मारता हूँ। ठीक है, कौन देखने आ रहा है, अरे छोड़ो वो सब। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में तुम लोग बोलोगे कि भाई हम वर्कआउट कर रहे हैं, तुम्हारा डाइट भी फॉलो कर रहे हैं लेकिन हमको इफेक्ट नहीं हो रहा। तुमको नींद जो है बराबर सोना है, खाने के बाद तुमको बराबर बॉडी को रेस्ट भी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि तुम दिन भर वर्कआउट कर रहे हो, दिन भर खा रहे हो और शाम रात में सिर्फ 5 से 6 घंटा सो रहे हो, तो नहीं, इससे कोई बात नहीं बनने वाली है। ठीक है, हमको सारी चीज़ें जो है साथ में जो है लेकर के चलनी है। तो उसी तरह जिस तरह वर्कआउट और हमारा डाइट इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह हमारी नींद भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हमको बराबर सोना है, बॉडी को रेस्ट देना है और बाकी का क्या है, रिजल्ट तो तुम्हारे सामने, हवा में बात तो मैं करता नहीं हूँ, वो तो तुम लोग को ही पता है। अभी रमज़ान भी आ गया है तो सबसे पहले आप लोगों को रमज़ान मुबारक, आप सभी लोगों को। ठीक है, और सब लोगों के लिए दुआ करो, रमज़ान में आप लोग रोज़े रखो क्योंकि इसके बहुत अच्छे एडवांटेज है। एंड ये बात सबसे ज़रूरी है कि रमज़ान में जो है आपको गेन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि रमज़ान में 14 से 15 घंटे आप रोज़े रखोगे। सो 14 से 15 घंटे में हम कुछ नहीं, ना आप लोग खा सकते हो ना कुछ पी सकते हो। ऑलराइट, सो उसके भी मेरे पास प्लान्स है, डाइट प्लान्स है, वर्कआउट प्लान्स है, जो कि पहले मैं फॉलो करूँगा और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा और मुझे जैसे ही रिजल्ट अच्छा बेटर लगेगा मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करूँगा, क्योंकि मैं हवा में बात नहीं करता। ऑलराइट, अगर मुझे अच्छा लगेगा मैं तभी वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, मेरा काम यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। आप लोग ये वीडियो को लाइक करो, कॉमेंट करो, आप लोग अपने रिव्यूज़, आपके ओपिनियंस, आपका क्या रिजल्ट है, वो सारी चीज़ें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। इंस्टाग्राम यहाँ पर है,
इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, अपने वीडियो सेंड करो, कोई भी चीज़ कोई भी डाउट है बिंदास मुझे डीएम कर सकते हो आप लोग इंस्टाग्राम पे, या तो मेल कर सकते हो. ओके सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. इट्स बॉय सोल बॉय मुंबई साइनिंग ऑफ. पीस आउट.